ये फ्रेंड्स, ये बेबी बॉय के रिपोर्ट है। ये पहले मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो ये बाद में देखते हैं। इसका डेट आप नोट कर लीजिए। देखिए 19 सितंबर 2022 का है। तो यहाँ देखिए डेट 21/08/2017 का है। जैसा कि मैंने बताया था, ये स्कैनिंग मेरे डिलीवरी के वक्त इसका जीरोक्स कॉपी उन्होंने लिया था, तो वो जीरोक्स मेरा मेरा लास्ट डिस्चार्ज बिल के अंदर था, तो मुझे आज मिला। तो मैं इसका ही यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम सीमा है, तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक लिखा हुआ है। यहाँ देखिए सीमा है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं तब डॉक्टर माधवी को दिखाती थी। ये देखिए सिंगल लाइफ, जैसे कि आप अगर जुड़वे बच्चे को जन्म देती हैं तो वो डबल लाइव यहाँ पे दिखाएगा, तो ये सिंगल लाइव दिखा रहा है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ प्रेगनेंसी का नॉर्मल अल्ट्रासाउंड ही करवाया था तब। तो ये देखिए फीटल का हार्ट रेट कैसा है, नॉर्मली रेगुलर जैसा ही है, और प्लेसेंटा है इंटीरियर, और देखिए फ्लूइड जो रहता है नॉर्मली है इसमें। और ये देखिए BPD और HC हेड सरकमफेरेंस है, एब्डोमल सरकमफेरेंस है, और ये फ्यूल लेंथ कुछ है। तो ये बेबी इसका लेंथ, उसका हेड का हेड कितना सेंटीमीटर रहता है, और जो बेबी का एब्डोमेन बोले तो बेबी का पेट का साइज़, और ये बेबी का ओवरऑल जैसा बेबी का मेजरमेंट, ये सब में कुछ अबनॉर्मलिटीज़ दिखा अगर, आपको यहाँ हाईलाइट कर देंगे वो लोग। जैसे कि हाइलाइटर से ये राउंड होके हाईलाइट होता है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम दिखेगा। तो इसमें मेरे में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पे वीक्स क्यों चेंज होता है ना, ये साइज़ अगर छोटा रहा तो वीक कैंसर, थोड़ा छोटा रहा तो एक हफ्ता छोटा दिखता है, और अगर नॉर्मल अकॉर्डिंग टू अपना जितना प्रेगनेंसी का डेट प्रेगनेंसी के हिसाब से अगर करेक्ट रहा तो 33 वीक्स। ये देखिए इसका तीनों का 33, मगर ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो उसके हिसाब से 32 वीक्स दिखाया है। तो देखिए जब मैंने स्कैन करवाया था एज, उस हिसाब से बेबी का 33 वीक्स 0 डेज है, और उसका फीटल हार्ट रेट देख सकते हैं 162 BP/min है। तो एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट, ये डिलीवरी डेट कब का दिया हुआ है, 11/10/2017 का। तो यहाँ देखिए ये फीटल वेट जो है 2 kg का है था, ये प्लस और माइनस हो सकता है, तो या तो समेरॉन 200 ग्राम हो सकता है, या 1800 ग्राम, 2 किलो से कम भी हो सकता है। तो जैसे कि आप मैंने बताया है, तो बेबी गर्ल का आपने देख लिया है, तो यहाँ बेबी बॉय का नोटिस कर लीजिए। जैसे मैंने बताया है सिंगल लाइव है, देखिए, और यहाँ देखिए प्लेसेंटा इज लेफ्ट लेटरल वॉल, ये एक ही में लेफ्ट लेटरल वॉल था, नहीं तो हर एक चीज़ में पोस्टेरियर था। Grade 3 मैच्योरिटी, और ये फ्लूइड क्या कि नॉर्मली है, फीटल मूवमेंट्स ये भी नॉर्मल है। फीटल हार्ट रेट देखिए यहाँ पे 140 BP/min है, तो इसमें आप देख सकते हैं फीटल हार्ट रेट 162 BP/min। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरे बेबी गर्ल के वक्त मुझे 140 कभी नहीं हुआ था, 148 में भी था, मुझे 140 कभी नहीं आया था। तो यहाँ देखिए BPD ये सब 34 वीक्स, 33, 34, 34, जैसे मैंने बताया, ये 34 वीक्स में मैंने करवाया था। एस्टिमेटेड फीटल वेट तो ये 2 kg 372 ग्राम्स है। एक्चुअली अपना 8th मंथ में ही बेबी का वेट बहुत बढ़ता है, बहुत मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसीलिए देखिए 1 वीक डिफरेंस में यहाँ 300 ग्राम का फ़र्क आ गया है इसमें उसमें। मगर मेरा बेबी का बर्थ वेट दोनों का सेम था, 3.5 kg 3.5 kg। तो यहाँ देखिए 34 वीक्स का, और ये एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट कैसा है, 29/10/2022। तो आप देख सकते हैं, इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि देखिए फीटल हार्ट रेट है 140 BP/min है, और यहाँ देखिए प्लेसेंटा इज लेफ्ट लेटरल वॉल आप देख सकते हैं, और ये बेबी का वेट देखिए 2372 ग्राम्स, और इसमें भी देख सकते हैं आप ये प्लेसेंटा इंटीरियर, ये मैं आपको दिखाना चाहती थी। मेरे केस में आप जैसे बहुत जनों से सुने होंगे इंटीरियर और
पोस्टेरियर, तो यहाँ पे देखिए इंटीरियर आप साफ देख सकते हैं, और यहाँ देखिए बेबी का हार्ट रेट जो है 162 बीपी पर मिनट है। तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था, मेरे केस में फीटल हार्ट रेट काम कर रहा है, क्योंकि मेरे केस में बेबी गर्ल के वक्त फीटल रेट कभी 140-142 तो नहीं था, हमेशा 148-146 समथिंग ऐसे ही रहता था। देख सकते हैं आप 8th मंथ स्कैन में भी 162 था। और एक है मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर, वो मुझे कंफ्यूज था, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो उसमें मेरे बेबी गर्ल का इंटीरियर था करके मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया, उसके लिए मैंने आज आप लोगों के साथ अपना रिपोर्ट ही शेयर किया है। उसमें इंटीरियर है आप देख सकते हैं, मगर बेबी बॉय के जब हर एक रिपोर्ट में पोस्टेरियर है, मगर ये एक था जो लेफ्ट लेटरल वॉल दिखाया है, वो भी पोस्टेरियर लेफ्ट लेटरल वॉल है, मगर उन्होंने पोस्टेरियर को यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, तो उसे आप जान सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हार्ट रेट से ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं, मगर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है जैसे कि मैं अपना रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मैंने शेयर करा है। आपको अगर ये यूज़फुल लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो पूरा देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत जने देखते हैं, मगर वीडियोस को एक लाइक, और जो नए देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर देखिए फ्रेंड्स, बेबी गर्ल और बॉय में कुछ डिफरेंस नहीं रहता है, अगर हर किसी को जानने का वो एक्साइटमेंट रहता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया, जब मैं भी प्रेग्नेंट थी बहुत सारे मैं यूट्यूब में चैनल्स देखती थी, वो सब देख के मुझे भी लगा नहीं, मैं भी जो नोटिस करी हूँ मैं भी शेयर कर सकती हूँ। तो थोड़े फ्रेंड्स रेगुलर देखते हैं मेरे वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, जो भी देखते हैं अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय।